गाइस वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर ऑफ सोशल मीडिया मैनेजर्स और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स। क्या भविष्य है इनका सोशल मीडिया का अगले ये 2024 में, 25, 26 और 27 में, और आने वाले समय में क्या रहेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। आपको लगता है कि 2022 2023 तक ये पीक है, अब इसके बाद सोशल मीडिया ख़त्म होने वाला है, मतलब लोग बोर हो जाएंगे, इससे अच्छा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है सोशल मीडिया पे, जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं यूट्यूब पर हैं या फिर फेसबुक पर हैं या फिर इंस्टाग्राम पर हैं या फिर जो भी अपने ट्विटर पर ट्वीट्स वगैरह करते रहते हैं, अब भी ये पीक नहीं है। अभी भारत की बात करें ना, तो भारत में ही अभी बहुत कम, बहुत मतलब अभी ऐसे ऐसे गांव पड़े हैं यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, और मतलब इंटरनेट की सुविधा है पास वाले गांव में, तो वहाँ पे जाके वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। और अभी हर अभी फैमिली के अभी हर घर में मोबाइल नहीं पहुँचा है फैमिली के। अभी इंडिया में, भारत में जो टीयर वन सिटी हैं उनके फैमिली में हर एक घर में है फोन, बट टीयर टू और टीयर थ्री सिटी है ना, अभी वहाँ के हर घर में नहीं है। टीयर टू सिटी में आप ये मान के चलिए, अगर फैमिली में छः लोग हैं तो फैमिली में छः लोग में तीन से चार लोग पे, दो लोग पे फोन नहीं है। ठीक है, टीयर थ्री सिटी की बात करते ना, इसकी गांव वगैरह की, विलेजेस वगैरह की, टाउन्स की, तो वहाँ पे और ख़राब है। वहाँ पे अगर फैमिली में छः लोग हैं तो दो से तीन लोगों पे ही फोन है, उन पे नहीं है। और आने वाले समय में आप देख रहे हैं फ़ोन एडिक्शन, फ़ोन कितने सस्ते हो चुके हैं, मोबाइल फोन्स। ठीक है, तो उससे मैं आपको बोलता हूँ अगले 2-3 साल में अप्रोक्स इंडिया के हर बंदे के, अगले 5 साल में इंडिया के हर एक बंदे के हाथ में मोबाइल होगा। ठीक है, जो ओल्ड जनरेशन है वो तो चली जाएगी। ठीक है, अब जो भी जनरेशन बचेगी ना, जो रिमेनिंग लोग अगले 4-5 साल में, मतलब जो जानदा ही हैं जैसे कि 95-90 के ऊपर हैं, वो उनका टाइम हो चुका है, वो जा चुके हैं, वो यूज़ भी नहीं करेंगे। बट जो आने वाला समय, ठीक है, अगले 5 साल में हर इंडिया के, भारत के हर एक घर में हर एक बंदे के पास अपना अपना फ़ोन होगा, और उससे आप अंदाज़ा ला सकते हो कि सोशल मीडिया मैनेजर्स की कितनी डिमांड होने वाली है, क्योंकि उस हिसाब से लोग कंटेंट भी क्रिएट करना चालू करेंगे हर एक बंदे के लिए। ये मैंने इंडिया की बात की है, और ऑल ओवर वर्ल्ड सेम है। ठीक है, आपको दिखता है कि जो बाहर के देश हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, नहीं बाबू, अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो प्रोग्रेस नहीं कर चुके। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं वो फोन उनमें, जैसे कि चाहे अमेरिका ले लो चाहे कुछ ले लो, ठीक है, उनका एक तख्ता मतलब एक साइड है जो फ़ोन यूज़ करती है, टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, अच्छा खासा पैसा कमाती है, और दूसरी साइड ऐसी है जो ड्रग्स करती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में है जो चीज़ें है ही नहीं। ठीक है, इतने बर्बाद हैं कि उन पे रहने के लिए पैसे नहीं, टेंट लगा के रहते हैं, तो उस लेवल पे फ़ोन यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक जगह, हर एक कंट्री में, तो मतलब टोटल पॉपुलेशन यूज़ करने वाली है अर्थ की फ़ोन, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि अगर आप इंग्लिश में भी कंटेंट क्रिएट करते हो ना, तो आपके पूरे विश्व की जनसंख्या आपके पास है, और हिंदी में भी कंटेंट क्रिएट करते हो ना, तो अभी से आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करते हो, अगले 1-2 साल में आप अच्छा ब्रांड बिल्ड कर सकते हो और एक बढ़िया वर्चस्व क्रिएट कर सकते हो। आने वाले समय में सिर्फ ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन का एक बहुत बड़ा महत्व होने वाला है, अगले 15 साल में प्रेडिक्ट करके चल रहा हूँ, एंड इट विल बी ऑसम, यू विल सी हाउ थिंग विल चेंज। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि क्या भविष्य होने वाला है। ठीक है, जो तो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ, एमरजेंसी ऑफ न्यू प्लेटफॉर्म। ठीक है, अभी आप देख रहे हो फेसबुक, ठीक है, और ट्विटर देख रहे हो, ठीक है, और इंस्टाग्राम देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, ठीक है, यह अभी तो और प्लेटफॉर्म निकलने वाले हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली स्नैपचैट भी निकल के आया था कुछ साल पहले। ठीक है, तो अब और नए प्लेटफॉर्म निकलेंगे जिसमें कि और भी ज़्यादा फीचर्स रहेंगे। ठीक है, और भी ज़्यादा लोगों को रिलेट कर पाएंगे, और भी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर पाएंगे। ठीक है, ये रह गया। ठीक है, और मैं आप इसके लिए बता रहा हूँ कि न्यू प्लेटफॉर्म आएंगे और न्यू टेक्नोलॉजी ऐड होगी, जो करंट सोशल मीडिया
के प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब में और भी रिलेटेबल चीज़ें ऐड की जाएंगी, और भी ऐसे फीचर्स ऐड किए जाएंगे वो सेटल डाउन हो, ठीक है। और अगले 5 साल में फ़ोन भी चेंज हो सकते हैं, जो अभी हम ये ले रहे हैं ना ये हाथ में फ़ोन, और भी हल्का फ़ोन हो सकता है, या फिर फ़ोन फोल्ड हो सकता, फोल्ड तो अभी फ़ोन हो ही रहा है, या फिर हम वो स्क्रीन टाइप का एंड में बैंड भी आने लगेगा फ़ोन जैसा, तो अभी देख रहे हो आप स्मार्ट वॉच जैसा आई है, तो फ़ोन पे ही हम पूरा हैंड में कर सकते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो न्यू प्लेटफॉर्म्स आने वाले हैं। सेकेंड, वीडियो कंटेंट डोमिनेट करेगा हर जगह, ठीक है। फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, ठीक है। अगर ते आप बंदा जो फेस वैल्यू मतलब वीडियो कंटेंट बहुत डोमिनेट करने वाला है, आप अगर ब्लॉग्स वगैरह की सोच रहे हैं ना, ब्लॉग्स डेड हो जाएंगे, BLOGS, वीडियो ब्लॉग्स चलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कंटेंट डोमिनेट करेगा हर बंदा, हर बच्चे के पास हर चीज़, मतलब एक टाइप से एजुकेशन फ्री हो जाएगा, और मतलब जितना जितने भी ज़्यादा भलाई की बात होगी उतनी ज़्यादा बुराई की बात होगी, मतलब डार्क रियलिटी आएगी, मतलब लोग आदमी फ़ोन के अंदर ही घुसे रह जाएंगे, ठीक है। तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड छोटे छोटे गाँव तक एजुकेशन पहुँचेगा इंटरनेट के थ्रू, और इंटरनेट तो अभी इतना महंगा है, मतलब अभी महंगा नहीं मतलब बढ़िया है, बट और आगे जाके इंटरनेट महंगा नहीं होगा, सस्ता होगा। उसके पीछे दो कारण है, क्योंकि लोग हर बंदा इंटरनेट यूज़ करना चाहेगा, ठीक है, और हर बंदा इंटरनेट यूज़ करना चाहेगा तो वो चीज़ सस्ती होगी, हर बंदे के हाथ में फ़ोन चालू होगा, ठीक है, तो उनसे एडवर्टाइजमेंट और 17 चीज़ें वहाँ से पैसे कमाए जाएंगे। तो इंटरनेट की आप मत सोचिए, इंटरनेट ज़्यादा महंगा हो ही नहीं सकता इंडिया में स्पेशली, ठीक है। थर्ड, AI एंड ऑटोमेशन इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर रहोगे, अगर आगे का प्लान कर रहे हो, या फिर कंटेंट क्रिएट करने का प्लान कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन होने वाला है, ठीक है, जिसमें कि आपको ग्राफिक्स अगर आप बना रहे हो ना, ठीक है, जैसे कि अब भी ऐसा होता है कि हम प्रॉपर कुछ पर्टिकुलर चीज़ डाल रहे हैं और उससे प्रॉब्लम निकल के आएगा, ठीक है। आप उस लेवल पर भी कर पाओगे आज से 5 साल 6 साल बाद, कि आपने कोई वीडियो डाली नहीं, उसके रिगार्डिंग थंबनेल निकाल के दे देगा, उसमें आपको चेंजेस करना है और आपका बेस्ट थंबनेल बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप कोई प्रॉम्प्ट डाल रहे हो, उससे रिलेटेड आपको चीज़ें निकल के आएंगी, वीडियो निकल के आएंगी, आपको बस जो भी वीडियो आप इमेजिन कर रहे हो, जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ठीक है, इसकी पूरी एक स्क्रिप्ट है, ठीक है, और वो मैंने यहाँ के डाल दी, पर्टिकुलर कोई वेबसाइट ऐसी आएगी जो उसमें हमने उसको डाल दिया, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर ऑटोमेटिकली एक बंदा बोलना चालू करेगा, रिकॉर्ड करना चालू करेगा, चीज़ें सिनेरियो क्रिएट होंगे, एनिमेशन टाइप का फॉर्म होगा, वो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, वो ऑटोमेशन पे आएगा AI का, ठीक है। फोर्थ पर्सन, और उसका हम जो अभी जागरूक रहेंगे सोशल मीडिया क्रिएटर, ठीक है, मैनेजर, वो उसका अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। फोर्थ, पर्सनलाइजेशन एंड कम्युनिटी बिल्डिंग, ठीक है। और अब आगे जो कंटेंट ऑन जाने वाला है, ठीक है, नीच स्पेसिफिक रहेगा। देखो, अगर आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हो ना, तो आप इस बात को ध्यान रखो कि आप आपके क्लाइंट को कैसे टू द पॉइंट ला पाओ, ठीक है। जैसे कि अगर आपका क्लाइंट कंटेंट क्रिएटर है, या फिर कंटेंट क्रिएटर ही हो, कि उसका नीच स्पेसिफिक करो, ठीक है, पर्सनलाइज्ड कंटेंट रहेगा, ठीक है, एक प्रॉपर वे में आपको एक ऑडियंस को सर्व करना है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर वे में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, आप पैसे भी ज़्यादा बनाओगे, लोगों का ज़्यादा रिलेटेबल फील होगा, और एक आपकी कम्युनिटी बिल्ड होगी, उस बात पे फोकस करना। अभी क्या है कि अब नॉर्मल रहता है, जैसे कि मोटिवेशन, अब मोटिवेशन में स्पेसिफिक बहुत सारी चीज़ रहेंगी, जैसे कि कॉलेज, स्कूल, कोचिंग, उनके लिए प्रॉपर वे में आप एक अलग चैनल खोल सकता है, तो वो सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। डेटा प्राइवेसी एंड कंप्लेंस, हमारी आगे चल के डेटा बहुत सिक्योर हो जाएगा, ठीक है, और उसका एक वो भी है कि हमारी कोई भी प्राइवेसी नहीं रहेगी, ठीक है, अगर लो डेटा लो प्रोटेक्शन नहीं आता ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है, तो उसका भी हम प्रॉपर वे में यूज़ कर सकते हैं ऐसा सोशल मीडिया मैनेजर, कि कंटेंट हमारे पास क्लाइंट्स का डाटा लेने के लिए बहुत सारा रहेगा, हर बंदा हर जगह हर पोस्ट कर रहा है, ठीक है, और जैसे कि गूगल मैप से भी आप बहुत ज़्यादा डाटा मिल जाएगा आपको, अगर आपको क्लाइंट्स लेने ऐसा सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है, जिसमें कि आप बिजनेस की हेल्प करोगे, तो उसमें आप स्कूल कोचिंग क्लासेस सारे का सारा डाटा आपको गूगल मैप्स मिल जाएगा, ठीक है। अब ग्रोथ होगी ना, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ नहीं हो करेगी, अब जो बंदा रिलेटेबल है, कंटेंट ग्रोथ के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, जो बंदा रिलेटेबल रहेगा ना वो ऐसे रहेगा, ठीक है, एकदम ऊपर पर्टिकुलर प्रोग्रेस होगी, ठीक है, और जो बंदा रिलेट नहीं कर पाएगा ना वो एकदम डेड हो जाएगा, भले ही कितना बड़ा यूट्यूबर हो, आगे चल के वो होने वाला, अगर आदमी प्रॉपर कंटेंट रिलेटेबल पोस्ट नहीं कर पा रहा है ना, तो उसका डेड चैनल हो जाए, चाहे 20 मिलियन हो चाहे 15 मिलियन हो,
अब कंटेंट बिकेगा, सिर्फ रिलेटेबल कंटेंट बिकेगा, मतलब चलेगा। और आप सोच रहे हो कि आप कुछ भी बना के डाल दोगे, वो नहीं चलेगा, क्योंकि लोग एजुकेट हो रहे हैं, उनको और इंटरेस्टिंग कंटेंट चाहिए, इनसेन कंटेंट चाहिए, तो उस तरीके से काम करना रहेगा। ठीक है, सेवेंथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एवोल्यूशन। अब क्या रहेगा, आप जो मूवीज़ की, जिसके आपने देखा होगा, जो अभी इंडियन मूवीज़ में आप देख रहे थे, बॉलीवुड के हीरोज रहते हैं ना, उतना बहुत ज़्यादा रुपये चार्ज करते हैं, बट अभी जो इंडिविजुअल यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी उतना चार्जेस करने चालू कर रहे हैं, उनकी भी वैल्यू होने लगी है। तो अब भी क्या रहा है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ह्यूज इम्पैक्ट करने वाली, जो कि सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर है ना, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, उनकी वैल्यू बढ़ेगी तो सोशल मीडिया मैनेजर की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, एक सोशल मीडिया मैनेजर 5 से 6 क्लाइंट हैंडल कर सकता है। ठीक है, अगर एजेंसी रन कर रहा है तो मल्टीपल क्लाइंट रन कर सकता है, एक दूसरे से कोलेब्रेशन करवाने के भी पैसे चार्ज कर सकता है, बहुत ज़्यादा स्कोप है सोशल मीडिया मैनेजर के लिए, तो लाइफ चेंज हो जाएगी, इतना आएगा। ठीक है, एट्थ, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। ठीक है, हमारे पास VR सेट होंगे, हम जो चीज़ मकसद है VR में फील करेंगे ना, ठीक है, वो रियलिटी में ऐसा इतना चेंज हो सकता है, प्लेटफॉर्म वगैरह इतने ज़्यादा गेम्स डेवलप हो सकते हैं अगले 5 से 10 साल में, कि जो हम चीज़ें देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बदल जाएंगी, हम बैठे बैठे ही फील करेंगे। जहाँ पे अगर बीच पे जाना है तो बीच पे पहुँच गए गेम में, और अमेरिका जाना है अमेरिका जा रहे हैं, गेम खेलना है, जिसकी पबजी से रिलेटेड जो गेम है ना, इससे भी अपडेटेड गेम आएंगे, जिसमें कि सिटीज़ को कंक्योर करना रहेगा, एक दूसरे को मारना रहेगा, GTA रहना, उससे भी तगड़े गेम आने वाले, अलग अलग कॉन्सेप्ट होने वाले हैं गेम्स के। तो मैं प्रेडिक्ट कर देता हूँ, बट नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर चीज़ें उस तरीके की नहीं चलेंगी। मेरा आइडिया, अगर मैं अगर फ्यूचर में कोई बिल्ड किया गेम, क्या पता, उसको छोड़ो। ठीक है, अगला कि सोशल कॉमर्स एक्सपेंशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल हमेशा क्या रहने वाला है, द इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉमर्स फीचर्स इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इज लाइकली टू एक्सपेंड, हर एक चीज़ होने वाली है, सोशल मीडिया एक्सप्लोर कर पाएंगे बहुत सारी चीज़ों में डायरेक्टली फ्रॉम सोशल चैनल। ठीक है, एक चैनल दूसरे चैनल लिंक हो गया, जैसे कि अभी आपने देखा होगा फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, एक एक दूसरे से तीनों लिंक है। ठीक है, अभी थ्रेड भी हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा वर्चस्व होगा कि हर एक जगह एक्सपेंशन कर पाएंगे, और भी ज़्यादा फीचर एड्स ऐड होंगे। ठीक है, तो ये रहेगा। तो अगले 2024, 2025, 2026 और अगले 5 से 10 साल में सोशल मीडिया बिल्कुल बदलने वाला है। जो आदमी इस चीज़ को समझ गया अभी ऐसा कंटेंट क्रिएटर, तो उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, लाखों रुपए कमाएगा, और वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं ले पाया, वो तो बर्बाद हो जाएगा टोटल। वो ही, क्योंकि अब आगे चल के AI बहुत ज़्यादा जॉब खाने वाली है, बट क्रिएटर्स की नहीं खाएगी, सोशल मीडिया मैनेजर्स की नहीं खाएगी, वो अभी डिमांड है। ठीक है दोस्तों, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।